हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश कोचर है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ घटित चार सच्ची घटनाओं के बारे में, जिसमें से पहली घटना कुछ इस प्रकार है। ये हादसा मेरे साथ आज से तकरीबन 10 साल पहले यानी दिसंबर 2011 को इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों, मैं अपनी दो सिस्टर्स जो इंग्लैंड में रहती हैं उनसे मिलने मैं इंग्लैंड गया था 2-3 महीनों के लिए। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सर्दियों में इंग्लैंड में दिन के 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है और सुबह दिन 8 बजे के बाद ही निकलता था। मेरे सिस्टर का घर लंदन सिटी के पास बर्कशायर कंट्री में है। एक दिन की बात है, मैं और मेरी दोनों सिस्टर्स अपने कुछ रिश्तेदारों को मिलने बर्मिंघम गए थे और वो काफ़ी दूर था हमारे बक्सर वाले घर से। वहाँ पर कार से जाने जाने में ही 2 घंटे लग जाते थे और रिश्तेदारों को मिलते मिलाते और खाना वाना खाते पीते रात के 9 बज गए थे और हमें अभी 2-3 घंटों की ड्राइव करके वापस घर भी जाना था। तो फिर सब रिश्तेदारों से मिलकर हम घर के लिए निकल पड़े। दोस्तों, वहाँ के हाईवेज काफ़ी बड़े थे और वहाँ इंडिया जैसा ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था, तो हम खाली रोड पर कार कुछ ज़्यादा ही तेज चलाए जा रहे थे क्योंकि वक्त भी कुछ ज़्यादा ही हो गया था और हम घर जल्दी पहुँचना चाहते थे। लगभग 2 घंटे के बाद हमारा घर बस आने ही वाला था, तो हमारे पास अब 2 रास्ते थे घर जाने के लिए। पहले हाईवे वाला लंबा रास्ता और दूसरा एक छोटा सा रास्ता था। उस रास्ते का नाम था ब्रैकनेल फॉरेस्ट रोड। उस रास्ते के दोनों तरफ बहुत पुराना ग्रेवयार्ड था जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरे लोगों की कब्र थी। वहां अक्सर मिलिट्री यूनिफॉर्म में लोग नजर आ जाते थे, इसलिए उसे लोग भूतिया बोलते थे। और वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कई मामले सामने आ चुके थे। लेकिन घर पहुंचने की जल्दी में हमने इसी रास्ते की तरफ कार मोड़ ली, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। ये पूरा रास्ता ब्रैकनेल फॉरेस्ट वाला 2 मील का आसपास था। हमने अभी कार उस रास्ते पर मोड़ी ही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। हमने अभी आधा मील भी क्रॉस नहीं किया होगा कि हमने देखा एक लड़की यूनिफॉर्म में उस रास्ते पर चले जा रही थी और उसके पास ना कोई रेनकोट था और ना ही कोई अम्ब्रेला। उस लड़की को देखकर मैं मजाक में बड़ी दीदी को बोला, दीदी, ये लड़की इतनी रात को 12:30 बजे कौन से स्कूल से आ रही है। इस पर मेरी सिस्टर जो ड्राइव कर रही थी बिना मेरी बातों का जवाब दिए उसी लड़की की तरफ देखे जा रही थी। फिर वो बोली, जो भी हो, बारिश इतनी तेज हो रही है, हमें इस लड़की की हेल्प करनी चाहिए और इस लड़की को लिफ्ट दे देनी चाहिए। मेरी दूसरी सिस्टर और मैंने हामी भर दी। फिर मेरी सिस्टर ने लड़की के पास कार स्लो की और विंडो को रोल डाउन करके बोला, हाय, डू यू नीड हेल्प, कैन आई ड्रॉप यू समवेयर। इस पर उस लड़की ने ना हमारी तरफ देखा और ना ही जवाब दिया और अपने रास्ते चलती रही। इस पर मेरी दीदी ने फिर से उसे बोला, हे, इज एवरीथिंग ओके विद यू। ये बोलते बोलते बड़ी दीदी ने नोटिस किया कि बारिश की एक भी बूंद उस लड़की पर नहीं गिर रही है। उसके कपड़े बिल्कुल सूखे हुए थे और बारिश तो जबरदस्त हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी दीदी सोच ही रही थी कि तभी उस लड़की ने हमारी तरफ मुड़कर देखा। उस लड़की के चेहरे को हम जब तीनों ने देखा तो हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। और हाँ, मेरी बड़ी दीदी बहुत ही बहादुर है और उसको डराना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि वो इन सब मामलों में बहुत तेज है और वो जल्दी कभी नहीं डरती है। लेकिन मैं और मेरी जो छोटी सिस्टर है हम दोनों काफ़ी डर चुके थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल सपाट था, यानी ना ही कोई आंखें और ना ही कोई नाक, मतलब कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर कोई गाड़ी का टायर चढ़ गया हो। ये देखते ही मेरी बड़ी दीदी ने विंडो को रोल अप किया और कार को स्पीड में चलाने लगी और चलाते चलाते मुझसे बोली, जो धार्मिक गानों की डीवीडी कार में है
उसे जल्दी से चलाओ और वो भी तेज वॉल्यूम में। मैंने मिनट से भी कम वक्त लिया ये सब काम करने में। फिर दीदी ने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़की हमारे पीछे पीछे भाग रही है और वो भी काफी स्पीड में। और भागते भागते उसने ऐसी चीख मारी जिसे सुनकर ऐसा लगा कि हमारे कान के पर्दे ही फट गए हों। और वो बहुत तेजी से हमारे कार के पीछे आ रही थी। लेकिन हाँ, हमारी कार की स्पीड भी कम नहीं थी। हमारी कार की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर की थी। वो जब हमारे कार के थोड़ा पास आने लगी तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गोल हो चुकी थी। पर जैसे ही वो हमारी कार से 1 मीटर दूर पहुंची होगी, वो अचानक गायब हो गई। हमने चारों तरफ देखा लेकिन वो कहीं नहीं थी। इस पर मेरी बड़ी दीदी ने बोला, शायद उसने वो धार्मिक गाने सुन लिए होगा, तभी वो हमारे ज्यादा पास नहीं आ सकी और गायब हो गई। और फिर हम 10-15 मिनट में घर आ गए और घर पहुंचने के बाद ही हमने वो धार्मिक सॉन्ग बंद कर दिया। और हम जैसे ही घर में इंटर हुए तो मेरे जीजा जी यानी बड़ी दीदी के हस्बैंड हाथ में फोन लेकर खड़े थे। हमें देखते ही वो बोले कि वो हमें पिछले आधे घंटे से फोन कर रहे हैं और हम तीनों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। फिर हमने जीजा जी को हमारी आप बीती बताई तो उसे सुनकर वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने बोला कि जब तुम्हें पता है कि ब्रैकनेल फॉरेस्ट वाला रोड हॉन्टेड है और मैंने तुम्हें उस रास्ते से आने के लिए मना भी किया था, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं माने, आज तुम तीनों मारे भी जा सकते थे। इस पर हमने जीजा जी से माफी मांगी और दोबारा वो रास्ता अवॉइड करने का प्रॉमिस किया। दोस्तों, मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर वो लड़की हम तक पहुँच गई होती और हमारे पास धार्मिक गाने ना होते तो हमारा क्या होता। उस लड़की का चेहरा मैं आज भी याद करता हूँ तो मैं सहम जाता हूँ। दूसरी कहानी। दोस्तों, मेरी दूसरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ सेंट्रल लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में हुआ था, तकरीबन आज से 9 साल पहले। दोस्तों, मुझे हिस्ट्री के बारे में पढ़ना और पुराने एग्जीबिशन देखने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने एक दिन प्लान किया कि मैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ लंदन जरूर देखने जाऊंगा। अगले दिन सुबह 9 बजे मैं घर से निकल गया क्योंकि मुझे पहले मेट्रो स्टेशन जाना था और वहां से सेंट्रल लंदन की ट्रेन लेनी थी। और म्यूजियम पहुंचने तक 10 बज ही जाएंगे और म्यूजियम 10 बजे ही खुलता था। फिर मैं मेट्रो से जो फुल भरी हुई थी उससे मैं द बिग बेन वॉच टावर के पास उतरा और 10 मिनट चलने के बाद मैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के बाहर था। म्यूजियम की एंट्री फ्री थी, बस 2-3 ही रूल थे जो आपको फॉलो करने थे कि आप खाने के बिना और मोबाइल के रिंग बंद करके ही म्यूजियम में जा सकते थे, और हाँ, आप फोटोग्राफी भी नहीं कर सकते थे। फिर मैंने अपने मोबाइल के रिंग बंद की और अंदर चला गया। मुझे पता था कि म्यूजियम के अंदर एक कॉफी शॉप है तो मैंने सबसे पहले अपनी फेवरेट ब्लैक कॉफी पी और फिर अपनी नोटबुक और पेन निकाल कर म्यूजियम में घूमने चल पड़ा। एग्जीबिशन देखते देखते और नोट्स बनाते बनाते कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे म्यूजियम ओपनिंग का टाइम तो पता था लेकिन क्लोजिंग टाइम पर इतना ध्यान नहीं दिया, जो कि शाम को 6:30 बजे तक था। शाम होते होते म्यूजियम में लोगों की आवागई बहुत कम हो गई थी, बस मेरे अलावा इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मैं एक एग्जीबिशन के सामने खड़ा होकर उसे देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक लंबा सा आदमी जो लगभग 65 या 70 साल का होगा मेरे पास आया। उसे देखकर मैंने अपने मोबाइल पर चल रहे गाने को बंद कर दिया और उस आदमी ने बोला, उसने इंग्लिश में बोला था लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, उसने बोला, हेलो, आप कैसे हो? इस पर मैंने जवाब दिया, जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? इस पर वो बोला, मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ कि आप सब एग्जिबिट्स को बड़े ध्यान से देख रहे हो और नोट्स भी बना रहे हो। इस बात को सुनकर मैंने थोड़ा स्माइल किया और जवाब दिया, यस सर, इसीलिए मैं 1 घंटा मेट्रो ट्रैवल करके आया हूँ। फिर उस आदमी ने मुझे बताया कि वो यही म्यूजियम में काम करते हैं
और उसने अपना नाम मिस्टर रिचर्ड मार्क बताया और मेरे बारे में पूछने लगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और किस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने अपने बारे में उनको सब कुछ बताया। तभी मैंने देखा एक आदमी जिसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था, वो जल्दी जल्दी चलता हुआ हमारे पास आया और मुझे देखते हुए बोला, सर म्यूजियम 6:30 बजे बंद हो जाता है और अब 7 बज रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने 2 बार स्पीकर में अनाउंस भी किया था। इस पर मैंने उसे बोला, आई एम वेरी सॉरी, मैंने अपने कानों पर ईयरफोन लगा रखे थे और वॉल्यूम भी बहुत तेज था, इसलिए मैंने अनाउंसमेंट नहीं सुना। इस पर वो बोला, ठीक है चलिए आप कल आ जाइएगा, मुझे म्यूजियम को लॉक करना है। और मैं उसके साथ साथ चलने लगा। लेकिन मैं एक बात से हैरान हुआ कि इस आदमी ने मिस्टर रिचर्ड्स को, जो उनके साथ ही काम करता है, उसे कुछ नहीं बोला और ना ही उसकी तरफ एक बार भी देखा। फिर उसके साथ चलते चलते मैंने पीछे की तरफ देखा और बोला, बाय बाय मिस्टर रिचर्ड्स, सी यू सून। और उसने भी मुझे स्माइल करते हुए मुझे बाय किया। अभी मैं बाय बोलकर मुड़ा ही था कि उस चाबियों वाले आदमी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, आप वहां देखकर किससे बातें कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, अरे भाई आपके स्टाफ में जो मिस्टर रिचर्ड्स काम करते हैं उनको ही तो बोला मैंने, क्या आपने नहीं देखा, मैं उन्हीं से तो कब से बात कर रहा था। और ये बोलकर मैं और वो आदमी वापस मुड़े मिस्टर रिचर्ड्स को देखने के लिए, लेकिन अब वहां कोई भी नहीं था और बाहर निकलने के लिए केवल एक ही दरवाजा था, लेकिन वहां तो हम खड़े थे, तो मिस्टर रिचर्ड्स कहाँ गए? मैं सोचने लगा। फिर उस आदमी ने बोला, आपको पता नहीं है लेकिन मिस्टर रिचर्ड को मरे पूरे 2 महीने हो गए हैं, वो मुझसे पहले यहाँ के केयर टेकर थे, मैं उनका असिस्टेंट था, तो मरे हुए आदमी से आप बात कैसे कर सकते हो? मैंने तो आपको अंदर अकेले ही खड़े देखा था। लेकिन मैंने उससे बोला, भाई ये तुम क्या बोल रहे हो, आप जिंदा इंसान को मरा हुआ कैसे बोल सकते हो, लगता आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। उसने फिर कहा कि चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। वो मुझे ऑफिस में ले गया और जब मैंने वहां पर देखा तो मिस्टर रिचर्ड की फोटो लगी थी और नीचे उनकी जन्म और मृत्यु की तारीख लिखी थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो सच में उनकी डेथ को 2 महीने पहले ही हो चुकी थी। अब मेरा दिमाग घूमने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुझे याद आया, जब मैं मिस्टर रिचर्ड से मिला था तब उन्होंने बताया था कि वो म्यूजियम के केयर टेकर हैं, लेकिन केयर टेकर तो ये मेरे सामने खड़ा आदमी है। फिर मैंने उस आदमी को बोला कि यानी मुझे जो मिला था वो मिस्टर रिचर्ड की आत्मा थी। ये सोचता सोचता मैं म्यूजियम के बाहर आ गया और सारे रास्ते बस यही सोचता रहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैंने सच में एक आत्मा से बात की? लेकिन हाँ, उसके बाद से मैं कभी भी दोबारा उस म्यूजियम में नहीं गया। तीसरी कहानी। दोस्तों, ये जो तीसरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 27 या 28 साल पहले हुआ था। ये हादसा मेरे और मेरे छोटे भाई अनिल के साथ हुआ था। मेरी बड़ी बहन जिसका नाम रेखा है, वो शादीशुदा थी, वो भी दिल्ली में रहती थी। मेरी इसी सिस्टर का जन्मदिन था और हम सब घर वाले, मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई अनिल सिस्टर के घर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। हम सब ने बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेट करते करते और खाना वाना खाते खाते देर रात हो गई थी। पापा ने घड़ी में वक्त देखा तो 1:01 बज रहे थे। फिर पापा ने बोला कि बेटा रात बहुत हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन मेरी बहन रेखा ने मम्मी पापा को बोला कि रात बहुत हो गई है और ठंड भी बहुत है, आज आप लोग यहीं रुक जाओ। और फिर मम्मी पापा ने सिस्टर की बात मान ली और वहीं रुकने का फैसला किया। लेकिन मुझे और अनिल को स्कूल जाना था अगले दिन, इसलिए हम लोग घर के लिए निकल गए। सिस्टर के घर से निकलते ही हमें ऑटो मिल गया और हम उसमें बैठ गए और घर के लिए निकल पड़े। मेरी सिस्टर का घर हमारे घर से लगभग 13 या 14 किलोमीटर दूर है। अभी हमें ऑटो में जाते हुए 10-15 मिनट ही हुए थे कि हमें एक फ्लाईओवर पर चढ़ रहे थे, तभी हमारा ऑटो चलते चलते अचानक बंद हो गया।
ऑटो ड्राइवर ने काफी कोशिश की ऑटो स्टार्ट करने की, लेकिन ऑटो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ऐसा करते हुए हमें 10 मिनट हो गए थे। ठंड भी बहुत हो रही थी और धुंध भी बढ़ती जा रही थी। मैंने चारों तरफ देखा मदद मांगने के लिए, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ एकदम सुनसान सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कर्फ्यू लगा हो, ना कोई गाड़ी और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। तभी अचानक हमारे पीछे से एक भारी सी आवाज आई, क्या हुआ, ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा है क्या? तब हम सबने, यानी मैं, मेरा छोटा भाई अनिल और ऑटो ड्राइवर ने मुड़कर देखा तो एक लंबा सा आदमी जो तकरीबन 7.5 फुट का था वो हमारे पीछे खड़ा था। ऑटो वाले ने उससे जवाब दिया, हाँ भाई पता नहीं क्या हो गया है, मैं स्पार्क प्लग और पेट्रोल पाइप भी चेक कर लिया हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक है। तभी हमारे पास से एक बड़ा सा ट्रक गुजरा और उससे निकलती हुई उसकी लाइट जब उस लंबे आदमी पर पड़ी तो हमारी जान निकल गई। उसका चेहरा पूरा कटा फटा था और उससे और उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। वो बहुत डरावना लग रहा था। उसे देखकर मेरे छोटे भाई अनिल की चीख निकल गई और उसकी चीख को सुनकर दो ऑटो वाले जो हमें पास करके जा रहे थे वो रुक गए और उसमें से एक ऑटो ड्राइवर उतर के हमारे पास आया और पूछने लगा कि क्या हुआ भाई, आपने इतना तेज क्यों चीखा? तभी हमने बिना कुछ बोले बस पीछे की ओर इशारा किया उस लंबे आदमी की तरफ, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था। फिर हमने बताया उस ऑटो वाले को जो हमने देखा, लेकिन हमारी बात को सुनकर उस ऑटो वाले ने बताया कि मैं इसी एरिया में रहता हूँ और जिस लंबे आदमी की तुम बात कर रहे हो उस आदमी की मौत लगभग 1 साल पहले हो गई थी और यही पुल पर ट्रक के नीचे आकर। तभी से जब रात को कोई गाड़ी पुल पर खराब हो जाती है तो वो आदमी मदद करने के लिए जरूर आता है, लेकिन आप लोग अब डरे नहीं, आप लोग यहाँ से सीधे घर जाइए। फिर हमारे ऑटो ड्राइवर ने ऑटो स्टार्ट करने के लिए किक मारी तो ऑटो एक बार में ही स्टार्ट हो गया, जैसे कभी खराब ही नहीं हुआ था। फिर हमने दूसरे ऑटो वालों को धन्यवाद कहा और उन्हीं की वजह से आज हम बचे थे, क्योंकि अगर वो ऑटो वाला ना आता तो पता नहीं हमारे साथ आज क्या होता। लेकिन मैं भगवान को और उस ऑटो वाले को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उसने सही समय पर आकर हमारी मदद की। चौथी कहानी। दोस्तों, ये जो चौथा हादसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से तकरीबन 14 साल पहले सितंबर 2017 की है। मैं राकेश कोचर अपने बड़े भैया के साथ 2 हफ्तों के लिए सिंगापुर और मलेशिया घूमने गया हुआ था। एक दिन हम दोनों भाई मलेशिया से वापस सिंगापुर आ रहे थे तो हमारी फ्लाइट रात के 2 बजे सिंगापुर में उतरी और 3 बजे हम फॉर्मेलिटीज पूरी करके सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट के बाहर थे। बाहर आकर मेरे बड़े भैया ने बोला, हमारा होटल यहाँ से थोड़ी दूर है, लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर है, हम पैदल ही चलते हैं। और फिर हम पैदल चलने लगे होटल की तरफ। जिस रोड पर हम चल रहे थे उसकी दोनों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां थी। अभी हम आधा किलोमीटर भी नहीं चले होंगे कि तभी हमें 2 कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी और वो आवाज बहुत तेज होती जा रही थी, जिसका मतलब था कि वो कुत्ते हमारी ही तरफ आ रहे हैं। तो हम सतर्क हो गए और इधर उधर देखने लगे कि किस तरफ से ये कुत्ते आ रहे हैं। अभी हम ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हमने देखा वो लेफ्ट वाली झाड़ियों से बाहर आ गए। उन्हें देखकर हमारी जान निकल गई, ऐसा लगने लगा था। वो दोनों कुत्ते कुछ ज्यादा ही बड़े और लंबे थे, उनका साइज एक घोड़े जितना था और भौंकते भौंकते वो दोनों हमारी तरफ आने लगे। हम दोनों भाइयों को महसूस हो गया था कि ये खूंखार कुत्ते हैं और हमें पक्का काटने के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। तो मेरे बड़े भाई ने बगैर ज्यादा मूवमेंट के इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर एक बस स्टॉप था, उसकी चेयर से बस स्टॉप के सेट पर चढ़ा जा सकता था। वो सेट कम से कम 7 या 8 फुट ऊंचा था और अगर हम वहां पर चढ़ जाएं
तो हम इन कुत्तों से बच सकते थे। और फिर निर्मल भैया ने बोला, हमें यहाँ से तेजी से बस स्टॉप की तरफ भागना है और हम उसकी चेयर से ऊपर सेट पर चढ़ सकते हैं। यही तरीका है उन कुत्तों से बचने का। ये सब भैया ने कुछ ही सेकंड में बोल दिया था और अब वो कुत्ते हमारे बहुत करीब आ गए थे। ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर का फासला था बस, और वो दोनों वही ठहर गए और हम पर कंटिन्यूअसली घूरने और भौंकने लगे। तभी भाई ने बोला, चल भाग उस बस स्टॉप की तरफ। और हम दोनों एक सांस में भागने लगे। हमें अचानक भागते देख वो कुत्ते थोड़ा सा सहम से गए और फिर हमारे पीछे भागने लगे। उनके सहम जाने की वजह से हमें मौका मिल गया था भागने का। और जब तक वो कुत्ते हमारे पास आते, हम बस स्टॉप के सेट पर चढ़ गए थे। पर उन कुत्तों ने हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा। वो दोनों बस स्टॉप के नीचे खड़े रहे और लगातार हम पर भौंकते रहे। पर उन कुत्तों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। वो दोनों बस स्टॉप के नीचे खड़े रहे और लगातार हम पर भौंकते रहे। हमारा नीचे उतरने का इंतजार करने लगे, जैसे किसी ने हमारी सुपारी दे दी हो इन कुत्तों को मारने के लिए। हमें सेट पर बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे और वो कुत्ते अभी भी बस स्टॉप के नीचे से हिले तक नहीं थे। सुबह के 5 या 5:30 बजे जब बस स्टॉप पर सर्विस शुरू करने के लिए बस आई, तो उन्होंने हमें देखा और कुत्तों को देखकर सारा माजरा समझ गए। और उस बस ड्राइवर ने हमें देखते हुए बोला, डोंट वरी, आई एम कॉलिंग द पुलिस एंड देन दे विल हेल्प यू। और अगले 10 मिनट में पुलिस वैन आ गई थी उस बस स्टॉप के सामने। तभी कुत्तों ने पुलिस वालों पर भी अटैक करने की कोशिश की, पर पुलिस वालों की वैन के विंडोज पर लोहे की जाली थी, इसलिए वो कुछ न कर पाए। पुलिस वाले भी थोड़ा डर गए थे और वैन से बिना निकले ही उन्होंने इमरजेंसी एनिमल केयर एंड कंट्रोल वालों को फोन करके बुला लिया। वो लोग लगभग 15 या 20 मिनट में आ चुके थे। जब पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया, तो एनिमल कंट्रोल वालों ने अपनी वैन से बैठे ही दोनों कुत्तों पर सटीक निशाना लगाया और उन्हें बेहोशी की इंजेक्शन लगा दिया। और अगले 5 मिनट के बाद ही वो दोनों कुत्ते बेहोश हो गए। और फिर उन लोगों ने उन कुत्तों को साथ लाए जाल में डालकर अपने साथ ले गए। फिर पुलिस की मदद से हम दोनों भाई बस स्टॉप के सेट से नीचे उतर गए। फिर उन्होंने हमसे पूछताछ की। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो, किस मकसद से सिंगापुर आए हो और कितने दिन के लिए आए हो। बहुत सारे सवाल पूछे। फिर हम लोगों ने अपना पासपोर्ट दिखाया और बताया कि हम मलेशिया से रात के 3 बजे सिंगापुर के चंगी एयरपोर्ट पर उतरे थे और हमारा होटल 7 सीज थोड़ी ही दूर पर था, तो हमने पैदल होटल जाने की सोची। लेकिन तभी रास्ते में इन दोनों कुत्तों ने हम पर हमला कर दिया और तभी हम यहाँ पर इस सेट पर चढ़ गए। फिर हमारी बातों को सुनकर पुलिस वालों को यकीन हो गया और उन्होंने अपनी ही वैन से हमें होटल तक ड्रॉप किया। फिर अगले दिन न्यूज़पेपर पर और टीवी पर हमारे बारे में आ रहा था और पुलिस ने जल्दी से उन कुत्तों के मालिक को ढूंढ लिया और उसे अरेस्ट कर लिया और उस पर केस रजिस्टर करके उस पर फाइन भी लगाया, तकरीबन $10,000 का, और उन कुत्तों को एनिमल कंट्रोल वालों को दे दिया और उनके मालिक को दोनों कुत्ते वापस भी नहीं दिए। अगले दिन वही पुलिस वाले आए हमारी स्टेटमेंट लेने और हमसे पूछने लगे कि आप चाहें तो उन कुत्तों के मालिक पर चार्जेस प्रेस कर सकते हैं और मुआवजा भी ले सकते हैं, क्योंकि उन कुत्तों की वजह से किसी की भी जान जा सकती थी। लेकिन हमने कोई भी चार्जेस और कोई भी मुआवजा लेने से साफ मना कर दिया और फिर हम उसी रात अपने घर इंडिया वापस आ गए। तो दोस्तों, यही थी मेरी साथ घटी जो 4 घटनाएं थी। भले ही ये आपको ज़्यादा डरावनी ना लगे, लेकिन जब ये सारी घटनाएं मेरे साथ बीती, तब उस पल को मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है।